मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, मान छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृ दोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती। अमावस्या के दिन उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, पावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर करकर अवश्य जला कर आ जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगन। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में, पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर पत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, ये पितरों का आशीर्वाद रहता है।